गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फार्म मशीनरी एंड पावर लेक्चर नंबर 15, जिसमें हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको दिया है सिलेंडर का बोर 10 सेंटीमीटर, स्ट्रोक 12 सेंटीमीटर, सिलेंडरों की संख्या 1, मीन इफेक्टिव प्रेशर मध्यमांक, इसको आप एम टी टी या पी के फुट में एम या पी कुछ भी लिख लो आप, इसकी वैल्यू दी आपको 6.3 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चक्रों की संख्या रोटेशंस 1500 आरपीएम 1550 रोटेशन पर मिनट। कंप्रेशन रेशियो या कभी कभी लिखे तो वो प्रेशर रेशियो, ठीक है, दाब अनुपात 16:1 आपको दिया है। आपको फाइंड करना है आईएचपी इंडिकेटेड हॉर्स पावर संकेतिक अक्षर शक्ति, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम विस्थापित आयतन, क्लीयरेंस वॉल्यूम सीबी या बीसी जो भी लिखो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सभी फॉर्मूले आपको गिवन है, इनको अच्छे से स्टडी करना। आईएचपी इंडिकेटेड हॉर्स पावर संकेतिक अक्षर शक्ति, इसका फॉर्मूला PLAN बटा में 4500 इनटू n सिलेंडरों की संख्या डिवाइड बाय 2 बटा में 2 करेंगे फोर स्ट्रोक के लिए, अगर टू स्ट्रोक होगा तो बटा में 2 नहीं करें, ठीक है ना। फर्स्ट स्ट्रोक इस क्वेश्चन में आपको इवन नहीं है कि ये इंजन फर्स्ट स्ट्रोक है या टू स्ट्रोक है, तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि ये अपना फर्स्ट स्ट्रोक इंजन है। तो मेंशन जरूर करना कि आप लोगों ने इसको अज्यूम किया है कि फर्स्ट स्ट्रोक इंजन है, उसके लिए L/2, ठीक है। P आपका गिवन है 6.3 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, L स्ट्रोक की लेंथ 12 सेंटीमीटर, लेकिन फॉर्मूले में क्या रखना है मीटर में, तो 12/100 मीटर के लिए। A A क्या होता है सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन का एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला या तो पाई आर स्क्वायर पाई डी स्क्वायर बटा में 4, तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इनटू एल चक्रों की संख्या 1500 इनटू इस एम की वैल्यू 1 एक सेंटर है, ठीक है, बटा में 2। ये आपने वैल्यू पुट कर दी 6.3 12 100 को नीचे लिख लिया, पाई का मान 22.7 4 नीचे आ गया, डी 10 सेंटीमीटर, व्यास को आप इसमें सेंटीमीटर में लिखोगे, स्ट्रोक की लंबाई को मीटर में, व्यास को सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 10 इंटू 10 1500, ये सभी वैल्यू कट कट आके जो भी आंसर आएगा आप लोगों का आईएचपी 10.23 आंसर है, 10.23 इसकी यूनिट इकाई क्या होगी हॉर्स पावर या अक्षर शक्ति। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम विस्थापित आयतन क्या फॉर्मूला होता है, वीएस सर्कुलरली सिलेंडरों की संख्या चक्रों की संख्या फोर्स ऑफ की दिया तो 1/2, तो वीएस गिवन नहीं है, तो वीएस का फॉर्मूला पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल एन एन वन बाय 2, पाई का मान 22.7 और डी आपकी 10 सेंटीमीटर की बन है, 10 इंटू 10 एल आपको 12 सेंटीमीटर की बन है, तो 12 इसमें आप सेंटीमीटर में लिखोगे, मीटर में भी ले सकते हो, तो आप लास्ट में मीटर क्यूब बन जाएगा, सेंटीमीटर लिखोगे सभी वैल्यू तो सेंटीमीटर क्यूब, सभी वैल्यू की कट के लास्ट में आंसर आ जाता है सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आपने इसको सेंटीमीटर लिखा इसको सेंटीमीटर लिखा सेंटीमीटर क्यूबिक। कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो
फॉर्मूला आर के बारे में। आर के का फॉर्मूला ये होता है या ये होता है, दोनों में से कोई भी लिखो। हमने इसको इसको लिख लिया, ठीक है। आर के का मान 16 1 प्लस बी एस बी सी, 1 को इधर लेके आए 16 में से बराबर बी एस का बी सी, 16 में से 1 है 15 बी एस बटे बी सी। बीसी को यहाँ शिफ्ट किया, 15 को यहाँ शिफ्ट किया, क्योंकि बीसी भी काम था, तो बीसी यहाँ 15 यहाँ, बीसी बराबर बी एस इंटू 1/15, तो बीसी का मान पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल स्क्वायर टू वाले, इसको सॉल्व किया 15 से भाग किया, आंसर आया 62.8 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो ये आपका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन है।